किसे वोट दे रहे हैं आप? किसको वोट दें आप बताएं, कौन सी जमात है? नवाज शरीफ है, अपना इमरान खान है, जरदारी है, ये सब चोर है। इस हलके से जो लड़ रहा है चार करोड़ की उसने प्रॉपर्टी शो कराई इमरान खान ने, मैं उसको 6 करोड़ देता हूँ, मुझे दे दे प्रॉपर्टी। सब आदमी ने अपनी अपनी कम रेट पे शो कराई प्रॉपर्टी, सबके पैसे मैं देता हूँ, मुझे दे दें प्रॉपर्टी। किसको दें आप? अवाम के मसले हल करता है कोई? मुझे बताएं, ये जो काम करता है उसको गालियां देते हैं, जो नहीं देता काम नहीं करता उसको सारे वोट दें। इमरान खान सही है, आप लोग न्यू जनरेशन सारी वोट इमरान खान को कह रही है। आप और भी किसी को देखें ना, क्या बिलावल सही है? बिलावल को ये पता है ये जो टाउन का ये इलाका वफाकुल्लाह किसी साइड पे है, गरीब आदमी के क्या मसले, उसके फ्रांस के पानी आता है वहाँ से, किसको वोट दें हम आपको? ये बरतानिया की मिसाल देते हैं, मैं खुद रहता हूँ वहाँ पे, मुझे बताएं हर बात बरतानिया की कहते हैं, ये कैसे कहते हैं, ये किस तरह हम किसको वोट दें? मैं अगर दूंगा शायद मैं शेर को दूँ वोट, क्योंकि उसने काम किया, उसका काम नज़र आ रहा है, दुनिया में नज़र आ रहा है, और इमरान खान जेलसी फील करता है, इसलिए पीटीआई को देंगे और पीटीआई को वोट देंगे इमरान खान को, जिंदा इमरान खान। अच्छा आप मुझे ये बताए कि इमरान खान ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया इमरान खान, उधर पता चल रहा है ना, जो लोग देखते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं उधर इमरान खान, अभी वजीर आजम बनेगा इधर पता चलेगा पंजाब में भी अच्छा काम करेंगे। क्या अच्छा काम करे हमें बताएं? बने तो सही वजीर आजम, इंशाल्लाह वजीर आजम बने इमरान खान करेंगे तो कुछ उम्मीदें तो आपको होगी ना कि ये जो है तब्दीलियां लाएगा? इंशाल्लाह इमरान खान लेके आएगा, हमारा इमरान खान वर्ल्ड कप भी दिया ना पाकिस्तान, वजीर आजम भी बनेगा इंशाल्लाह। और आ जाए अभी किसके साथ आप बल्ले को वोट देंगे इस बार यहाँ पे शेर को? इंशाल्लाह बैट को देंगे वोट, क्योंकि इस दफ़ा उम्मीद यही है कि जितने साल नून लीग ने सरवाइव किया उसमें मुल्क डाउनफॉल में गया है, ऊपर नहीं आया, इन्होंने सिर्फ अपना जोड़ा है। अभी कई लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में कि वो सिर्फ इनके गली के छोटे छोटे काम करवा देना नून लीग, वो कहते हैं जी हमने नून लीग को वोट देना, लेकिन उनका ये माइंड नहीं है कि आगे उन्होंने मुल्क को कैसे देखा है, मुल्क सरवाइव, उनके बच्चे भी कर्ज में हैं, हम भी मकरूज हैं। अब आगे अगर हमने अग्नि नहीं आने वाली पोत के लिए अगर अच्छा सोचना है तो आज हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि हम इमरान खान को मौका दें, वो आएगा इंशाल्लाह और इनको इनकी इनकी वो हाल करेगा कि इनको जेल में लेके जाएगा, तो आप इंतजार रखें कि वो आएगा, इसके बाद ये उम्मीद ना रखें कि वो कहीं अलायंसेस करेगा, ये इनको बचाएगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं होना। अच्छा तो इमरान साहब आएंगे तो कितनी तब्दीलियाँ ले आएगा, किस लिहाज से तब्दीलियाँ ले आएगा जरा हमें थोड़ा? इसलिए कि इमरान खान दिल का सच्चा लीडर है, उसमें लीडरपन है, आप देख लें शुरू से अब तक मैच जितने मैच खेले उसमें लीडरपन था, उसने मैच जितवा दिए, आप उसके पीछे अगर चलते हैं ना तो आपको आपको नीचे नहीं आने देगा, आपका सर ऊंचा रखेगा, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेगा जैसा उसने मैच किया है और अब भी करेगा वो। अच्छा अभी तक इमरान खान ने ऐसे कौन से अच्छे काम किए जिससे आपको ये आपको पूरा यकीन है? सिर्फ मैं इतना बता दूं, अभी वो उसको पावर नहीं मिली ना वो सियासत में आया है सही तरह, हुकूमत नहीं मिली, लेकिन उसने जो हाल कर दिया है जरदारी का, नवाज शरीफ का और इनके दोस्तों का सब, अब आगे मौका दें, जब वो आएगा तो आपको काम भी दिखाएगा और इनका भी काम करके दिखाएगा, ठीक है। क्या लगता है आपको हल्का यानी 133 से कौन जीतेगा, इजाज़ चौधरी या वहीद आलम? इजाज़ चौधरी जीतेगा इंशाल्लाह, वो अच्छे काम कर रहे और रोग के लिए इंशाल्लाह तब्दीली ले आएंगे। किस तरह की तब्दीली लेके आएंगे, किस तरह के अच्छे काम कर रहे हैं? अच्छे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, सारे चोर निकले, सारे दो नंबर कुमरान है और इंशाल्लाह तब्दीली आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है धांधली कर लिए जो दो नंबर है, धांधली क्यों नहीं हुई, सारे करप्शन हुई है, कितने पैसे बाहर गए, ये बारह पार्लियामेंट लीग से करप्शन भी कितनी हुई। हाँ जी तो और क्या तब्दीली ले आएगा इमरान खान आके? इंशाल्लाह वो करप्ट लोगों को पकड़ रहे, जो बुरे काम कर रहे हैं ये ऐसे काम नहीं होते सीधी। तो अगर इस हलके से इजाज़ चौधरी जीत जाते हैं तो क्या इस हलके में जो है वो सहूलियात मुयसर कर देंगे? इंशाल्लाह इजाज़ चौधरी जो जीत जाएंगे और पानी के और बिजली के लोड शेडिंग इंशाल्लाह नहीं होंगे। पिछली बार यहाँ से वहीद आलम जो है वो जीते थे तो क्या क्या मुश्किल पेश आई थी फिर आपको? मुश्किल पेश ही आई है, लोड शेडिंग हुई है, ये कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे और भी काफी सारे काम हुए। कोई तालीमी अदारे नहीं बने या बेहतरी नहीं आई, कोई अस्पताल वगैरह नहीं बने? नहीं कोई अस्पताल वगैरह नहीं बने, इदारे नहीं बने। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि फिर यहाँ से इजाज़ चौधरी बासी लेके जाएंगे? इंशाल्लाह इजाज़ चौधरी जीतेंगे।